नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसी अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728, यानी 9415207728। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां सगड़ी तहसील क्षेत्र के जीनपुर कस्बा में बंदरों और आवारा कुत्तों के उत्पात को लेकर नगरवासियों ने जिलाधिकारी को पत्रक सौंप कर छुटकारा दिलाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार बुधवार को जीनपुर नगर पंचायत के खानगाह, बहरामपुर, जमेतुल बनात, आजाद नगर, आदर्श नगर सहित कस्बा के बंदरों व आवारा कुत्तों के उत्पात से नगरवासी व दुकानदार प्रभावित हैं। प्रतिदिन बंदरों के द्वारा छत पर कपड़ा फाड़ना, बच्चों को घायल करना और फल एवं मिष्ठान की दुकानों पर बंदरों के उत्पात को लेकर विशाल बर्नवाल, श्रवण कुमार, सुरेश कुमार, विजय कुमार, चंदन कुमार, सुभाष, सुमन जायसवाल ने सगड़ी तहसील पर पहुंचकर पत्रक सौंप कर जिलाधिकारी से कस्बा में बंदरों व आवारा कुत्तों के उत्पात से निजात दिलाने की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी अतुल कुमार गुप्ता ने नगरवासियों को कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है विशाल बर्नवाल ने, सुनिए। सबसे पहले अपना परिचय। विष्णु जीएनपुर। क्या मामला है, आप तहसील पे आए हैं? मैं बंदरों का इतना आतंक है जीएनपुर रोडवेज पे और जो पोखरा कोयरिया प्रांगण है वहाँ पे, इतना न बंदर आने जाने देते, रास्ते में बैठे रहते हैं। और जीएनपुर ये जो मार्केट में लोग व्यापारी, मैं अपना दुकान करता हूँ, वो मतलब सारा चिप्स वेफर सब लेकर फाड़ते हैं, काटते हैं, दौड़ा लेते हैं। अगर उनके तरफ हटाने को जाओ तो एकदम काटने को जानलेवा जैसी स्थिति बन जा रही है। एक महिलाएं परेशान हैं, कपड़े फाड़ दे रहे हैं और जो इतना उपद्रव किए हैं बंदर की पूछे नहीं। क्या चाह रहे हैं आप, आए तहसील पे? मैं आया हूँ इसलिए डीएम साहब से तक आदेश वो करने के लिए कि गुजारिश लेकर आया हूँ, कि एप्लीकेशन इसलिए लेकर आया हूँ कि कुछ यहाँ से हमारा नहीं समस्या का निदान हो, क्योंकि एकदम जानलेवा जैसी स्थिति बन गई है। अब इससे वो जाने इस कुछ कर सकते हैं तो एसडीएम साहब ही कर सकते हैं। और आवारा कुत्ते जिस तरह से गली में घूमते हैं, बच्चे डर जाते हैं, ना आ पाते हैं सही से, ना आने जाने में बड़ी समस्या होती है, स्कूल जाने में, घर शाम को घर से बाहर निकलने में। बंदरों का सबसे बड़ा आतंक बंदरों का है कि अभी कल ही आज ही सुबह में जो है हमारी आंटी एकदम बंदरों से बची, चारों ओर से एकदम दौड़ा लिए सब बंदर, और बचने की स्थिति एकदम नहीं हो पाती है कि इस तरह से कंडीशन बन जाती है।